हम चुनौती देंगे, न केवल सड़क पे चुनौती दे रहे हैं। यदि लगता है कि भारतीय जनता पार्टी ने जो इस पूरे मामले में, चाहे सुनील पात्रा जी हो या बाकी विषय हो, हम उसको जवाब देंगे। जो मामला पब्लिक डोमेन में है, उसको तो कैसे हमने देश की जनता के सामने, देश की सुरक्षा के सामने, प्रजातंत्र में मेरा दायित्व है कि झूठ और जिस प्रकार के तथ्य आ रहे हैं उसको जनता के सामने एक्सपोज करना, और इसके लिए हम लगे हुए हैं। यहाँ से लेकर न्यायालय तक हर मुद्दे को संघर्ष भारतीय जनता पार्टी करेगी, और कार्यकर्ता आज पूरे छत्तीसगढ़ के कोने कोने में बैठा हुआ है। ये चुनौती के साथ आने वाले समय में, चाहे जितना ये जेल का छवि दिखाएं, जितने थाने की बात करें, जितने कोर्ट की बात करें, जितने झूठे FIR दर्ज कराने की बात करें, भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता न डरने वाला है, न छुपने वाला है, न इनके इस प्रकार के झूठे मामले से इनमें चिंता होने वाली है। इसलिए आज हमारे प्रदेश अध्यक्ष सूर्य साय जी, नेता प्रतिपक्ष जी धर्म कौशिक जी, ब्रिजमोहन जी, और पूरे प्रदेश में राजेश जी, जामुड़ा जी हैं, और पूरे जिले की टीम आज साथ में है, क्योंकि हम प्रदर्शन 4-5 ही कर सकते हैं। इसलिए हमारे कार्यकर्ताओं को हमने कहा कि कोविड के नियम का पालन करें, हम अपना अनुशासन नहीं तोड़ेंगे, मगर सरकार को चुनौती देने के लिए आज यहाँ बैठे हुए हैं सार्वजनिक रूप से, और इस लड़ाई आने वाले दिनों में बीजेपी झूठ का लड़ाई छेड़ने के मुद्दा कोई छत्तीसगढ़ का नहीं है। इसकी शुरुआत तो दिल्ली में सुनी और किया है, राष्ट्रीय नेतृत्व उसको देख रहा है। तो इस लड़ाई को यहाँ से लेकर दिल्ली तक, सड़क से लेकर कोर्ट कचहरी तक, सभी जगह ये फंसे नहीं है, ये जानबूझकर उस टूलकिट का हिस्सा है। भाई आप टूलकिट को देखोगे तो इनके आचरण, राहुल गांधी के बयान आप देख लीजिए, सोनिया जी के बयान देख लीजिए, इनके जितने वरिष्ठ नेता उनका बयान देख लीजिए। आप उस टूलकिट के माध्यम से जो जो इशू है इसको लगातार एक बार से उछाल रहे हैं, क्योंकि तो अभी एक्सपोज हो गया, चेहरा छुपा रहे हैं। इस तरह की और खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल 4Thai News, साथ ही बेल आइकॉन प्रेस करना ना भूलें, ताकि हमारी हर खबर सबसे पहले पहुंच सके आप तक।